Hi everyone. Now today in this video we are going to see about the accessory respiratory organ symphysis, and this is a very important topic, and questions are repeatedly asked from this topic. So I am suggesting you to do this topic wisely, that you may not leave this topic as usually. Okay, so without wasting time, let us start the videos. And there is humble request to everyone who are watching my videos for the first time or are new my channel, kindly like, share and subscribe my channel to be updated that whenever I upload my videos you will get notifications and you will never miss my class. So let us start. That is first accessory respiratory organs in fishes. Inke bare mein jante hain hum log, dekhte hain. Adult fishes depend chiefly on pharyngeal gills for aquatic respirations. जो adult fishes होती है वो पूरी तरह से pharyngeal gills पे depend होती है aquatic respiration के लिए. यानी अगर पानी में सांस लेना हो तो वो pharyngeal gills पे depend होती है, यानी सांस लेने के लिए पानी में ये pharyngeal gills द्वारा इनका श्वसन प्रक्रिया होता है. However, other devices are also occur due to supplement or replace gill respiration. जैसे कि और भी डिवाइस होते हैं जो कि अकर होते हैं, जो सप्लीमेंट करते हैं या फिर गिल रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं पूरी तरह से. गिल रेस्पिरेशन रिप्लेस करके उनके दूसरी जगह दूसरे तरह का रेस्पिरेशन उनका संपन्न होता है. ठीक है. ऑल सच एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अदर देन गिल्स आर नॉन एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है. और भी जो सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स को छोड़ करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं. गिल्स द्वारा सांस लेता ही है. अगर गिल्स को छोड़ करके अदर देन द गिल्स द एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर नॉन एज द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ओके, इनके बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में. एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनेबल्स द फिशेज टू लिव इन ऑक्सीजन डिफिशियंट वाटर. जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इनेबल्स यानी फिश को मदद करते हैं जो कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट में भी वो रह सकते हैं. ठीक है. सो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं फिश को ऑक्सीजन डिफिशिएंट, यानी जहाँ ऑक्सीजन कमी रहता है वहाँ भी ये अडॉप्ट कर जाते हैं, रह पाते हैं. किसके द्वारा? ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हेल्प करता है श्वसन प्रक्रिया में. ठीक है. टू एस्टिवेट ओवर प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स इन ड्राई समर टू टेक शॉर्ट एक्सक्रूशंस ऑन लैंड और सिंपली टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड फॉर ऑक्सीजन. यानी क्या करते हैं ये, जो ऐसे बहुत सारी मछली होती है जो कि अगर ड्राउट पड़ जाता है यानी कि सूखा पड़ जाता है तो क्या करती है, ड्राई समर में वो शॉर्ट एक्सक्रूशन थोड़े समय के लिए वो बाहर आती है, यानी लैंड यानी ज़मीन पर आती है और सिंपली अपना एक्स्ट्रा डिमांड होता है जो ऑक्सीजन को उनको मीट करने के लिए बाहर आती है, फिर जैसे श्वास लेकर के फिर वो वापस पानी के अंदर जाने की कोशिश करती है. अगर पानी अगर सूखा रहता है तो वो ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी मछली चली जाती है, यानी कीचड़ होता है उसके अंदर भी बहुत सारी मछलियाँ चली जाती है. ठीक है. वही इनका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो उनका श्वसन क्रिया में मदद करता है. ठीक है. और इनका देखते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्या क्या किस तरह से ये अपना एक्स्ट्रा काम करते हैं. जैसे कि इनका स्किन और इंटेगमेंट भी होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तो जैसा काम करते हैं. इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग. कॉमन इल्स होते हैं जैसे कि एंगुलिना और एंगुलिना, दोनों एक ही नाम है, दो मतलब दो बार लिखा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है. ठीक है. और एम्पी एंथुसिया ऑफन मैक्स ओवरलैंड जर्नीज थ्रू डैम्प वेजिटेशन. ये ओवरलैंड जर्नी यानी कि ज़मीन पर ये जर्नी तैयार करते हैं, ओवरलैंड जर्नी और थ्रू डैम्प वेजिटेशन के द्वारा ये ज़मीन पर बाहर आते हैं. दे कैन रेस्पायर कंटिन्यूसली बोथ इन एयर एंड इन वाटर. और ये रेस्पायर कंटिन्यू मतलब कि ये हमेशा सांस ले सकते हैं एयर में भी और पानी में भी, यानी हवा में भी और पानी में भी सांस ले सकते हैं. ठीक है. मड स्कीपर्स, जैसे बताया ना कीचड़ में रहने वाले मड स्कीपर्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल है पेरी पैथमोलस. ठीक है. फिश जो होते हैं इनका लार्वा और इम्ब्रोयज होता है. कैन ऑल्सो सबर्स कंटिन्यूस रेस्पायरेशन थ्रू थीन मॉइस्ट एंड परमेबल स्किन बिफोर द इमर्जेंस ऑफ गिल्स. यानी गिल के इमर्जेंस से पहले ये अपना मोस्ट मॉइस्ट रेस्पिरेशन होता है, परमेबल स्किन होता है, इन स्किन द्वारा ये सांस लेते हैं. इसको हम लोग सब कंटिन्यूस रेस्पिरेशन द्वारा ये अपना श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. मीडियन फिल फोल्ड होते हैं जो कि मेनी फिशेस का, वो सप्लाइड करते हैं न्यूमरिया ब्लड वेसल्स को जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में उनका मदद करता है. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज विकोफेरेंजियल इपिथिलियम. विकोफेरेंजियल इपिथिलियम के बारे में, इनके बारे में जानते हैं हम लोग. इन मोस्ट ऑफ द फिशेस द इपिथिलियल लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स इज यूजुअली हाईली वैस्कुलर एंड प्रीमेबल टू द गैसेस इन वाटर. जो इनका मोस्ट ऑफ द फिशेस होते हैं, बहुत सारे फिशेस में इपिथिलियल लाइनिंग बकल कैविटी होता है और फेरिंग्स होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है और प्रीमेबल होता है जो कि गैसेस को वाटर में डिजॉल्व करता है. ठीक है. बट द साउथ अमेरिकन फिश, जो साउथ अमेरिकन फिश होती है उनमें सेम ब्रांचेस एंड द मड स्पीकर जो कि पेरिथोफेलमस होता है कैन फिल
their oral and pharyngeal cavities with air and thus take oxygen directly from atmosphere. ये क्या करते हैं कि हवा को अपने मुंह में भर लेते हैं और उनसे जो भी ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन को अपने अंदर चला जाता है, इन हो जाता है, श्वास से ले लेते हैं और जो अदर गैस होते हैं उनको एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं, यानी डायरेक्टली एटमोसफेयर से ऑक्सीजन को डिमांड को वो मीट करते हैं खुद का. ठीक है. द ओल्ड आइडिया डैट द मड स्पीकर्स यूज वास्कुलर टेल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज नॉट सपोर्टेड बाय आइथोलॉजिस्ट. ठीक है. जो ओल्ड आइडिया था जो कि मड स्पीकर के कि वास्कुलर टेल का यूज़ करते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा, जो कि ये सपोर्ट नहीं किया गया आइथोलॉजिस्ट के द्वारा. ठीक है. आइथोलॉजिस्ट. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द गट एपिथीलियम. गट एपिथीलियम कैसे काम करते हैं इनके बारे में जानते हैं हम लोग. इन सेवरल फिशेस एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बिकम्स वास्कुलर एंड मॉडिफाइड टू सर्व एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सेवरल बहुत सारे फिशेस में क्या होता है एपिथीलियम लाइनिंग होता है जो सर्टेन पार्ट्स का एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या करता है वास्कुलर बन जाता है और मॉडिफाइड होता है जो कि सर्व करने लगता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा काम करने लगता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट दैट इज द पेल्विक फिन. पेल्विक फिन कैसे होता है इनके बारे में जानते हैं. इन अमेरिकन लंग फिश, अमेरिका का लंग फिश होती है जैसे लेपिडोसायरन, उनमें क्या होता है डिब्रीडिंग टाइम में जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो मेल का वो इनलार्ज बड़े हो जाते हैं और ग्रो फिलामेंटस वास्कुलर आउटग्रोथ विच प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू द ग्राउंडेड गार्डेड एग्स. जो क्या करते हैं इनलार्ज होते बड़े हो जाते हैं और ग्रो फिलामेंट्स को ग्रो करते हैं, वास्कुलर आउटर ग्रोथ होता है उनका जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेश ऑक्सीजन जो भी वो अंडा होता है. जैसे हम लोग गार्डेड अंडा मतलब जैसे कि हम लोग इनका डायग्राम देखिएगा तो क्या होता है ये जो होते हैं अमेरिकन का लंग फिश होती है क्या करते हैं इनका मेल पार्टनर जो होता है वो क्या करता है जैसे कि इनका हेड होता है ये क्या करते हैं ये अपनी बॉडी को सराउंड कर लेते हैं और इसके अंदर क्या होता है इनका जो भी यंग वंस यानी अंडा होता है ये इसको सराउंड करके रहते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं अपना जो रेस्पिरेटरी टेल होता है इसके द्वारा ये और फ्रेश ऑक्सीजन को ये डिमांड को अंडे को ये मीट कर पाते हैं. ठीक है. ये सांप जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ये अपने आपको पूरी तरह से ऐसे मोड़े हुए होते हैं और इसके अंदर में वो अंडा को रखते हैं. ठीक है. यानी गार्डेड एग्स होते हैं मतलब वो गार्ड करते हैं उसको कि दूसरा उसको हार्म ना पहुंचा सके. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द फारेंजियल डायवर्टिकुला. इनके बारे में जानते हैं हम लोग. दिस आर पेयर ऑफ सैम्पल सेक आउटग्रोथ्स ऑफ फेरिंग्स लाइंड बाय द थिकेंड वास्कुलर एपिथीलियम एंड एक्सटेंडिंग अबव द गिल्स. ये क्या होते हैं पेयर्ड होते हैं सिंपल सेक आउटग्रोथ होता है इनका फेरिंग्स का जो कि लाइंड रहते हैं किसके द्वारा थिकेंड वास्कुलर एपिथीलियम द्वारा और एक्सटेंड रहते हैं अबव द गिल्स. गिल्स के अबव तक ये एक्सटेंड रहते हैं. ठीक है. दिस आर वेरी स्मॉल इन पेरियोपैथेमलर्स, स्मॉल एंड स्मूथ इन एम्फीबियस एंड समवॉट फोल्डेड इन चाना दैट इज द ऑफिसिफेलस. ठीक है. ये कह रहते हैं बहुत छोटे रहते हैं किसमें ये पेरीफेथोलस में बहुत सारे बहुत छोटे रहते हैं और स्मॉल रहते हैं स्मूथ रहते हैं किसमें एम्फीफोनस में और समवॉट ये फोल्डेड रहते हैं. फोल्डेड मतलब कि ये फोल्ड किया हुआ रहते हैं किसमें ऑफिसिफेलस में ये फोल्ड किया हुआ रहते हैं. ठीक है. द फिन्स है पुअरली डेवलप्ड गिल्स. फिन्स होते हैं पुअरली डेवलप्ड गिल्स होता है फिलामेंट्स होता है और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सैक्स और चैम्बर्स सर्व टू ब्रीथ एटमोस्फेरिक एयर ड्यूरिंग एस्टिवेशंस और वेन कमिंग आउट ऑफ द वाटर फॉर सम टाइम. ये क्या करते हैं जो फिश होता है पुअरली डेवलप होता है पुअरली डेवलप्ड गिल फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सैक्स होते हैं जो कि चैम्बर में सर्व करते हैं उनका ब्रीथ लेने एटमोस्फेरिक एयर होता है जो एस्टिवेशन करते हैं पानी के अंदर एस्टिवेशन करते हैं तो इनके द्वारा ये ब्रीथ लेने में सांस लेने में मदद करते हैं और जब ये थोड़े समय के लिए वाटर के बाहर आते हैं यानी कि पानी के बाहर आते हैं तो इनमें ये मदद करता है सांस लेने में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द ब्रांचियल डायवर्टिकुला. इनका क्या काम होता है भाई देख लेते हैं इनके बारे में. द आउटग्रोथ फ्रॉम द गिल चैम्बर आउटग्रोथ फ्रॉम द गिल चैम्बर्स फॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देन द सिंपलर फेरेंजियल आउटग्रोथ इन अदर फिशेस. जो आउटग्रोथ होता है गिल चैम्बर का मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है जो कि सिंपलर फेरेंजियल आउटग्रोथ होता है उनमें अदर फिशेस में जैसे तरह से होता है उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज देयर थ्री वेल नाउन एग्जाम्पल्स. इनका तीन एग्जाम्पल इनके बारे में जानते हैं हम लोग. सॉरी दैट इज हेट्रोपिनोस्टस दैट इज द सेको ब्रांचेस. इनके बारे में जानते हैं हम लोग. दिस इंडियन कैटफिश हैज ए पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर एंड डोर्सली सिचुएटेड एयर सैक्स अराइजिंग पोस्टरली फ्रॉम गिल चैम्बर एंड एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट अप टू द टेल. ठीक है. जो कि इनके बारे में देखते हैं हम लोग. जो हेट्रोपिनोस्टस होते हैं जैसे कि सेको ब्रांच होते हैं ये इंडियन कैटफिश में पाए जाते हैं. इनका एक पेयर लॉन्ग होता है एक पेयर लॉन्ग ट्यूबुलर और डोर्सली सिचुएटेड एयर सैक प्रेजेंट होता है जो कि अराइज करता है पोस्टरली किस भाग से गिल चैम्बर से और कहाँ तक ये रहता है भाई ये रहता है पूरा टेल तक यानी पूरा पूंछ तक रहता है. गिल चैम्बर से पूरी तरह से ये पूंछ तक पहुँचा हुआ रहता है. ठीक है. दे आर हाईली वास्कुलर बहुत ज़्यादा वास्कुलर होते हैं. द एयर इज ड्रॉवन एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू फेरिंग्स. जो एयर होता है अंदर आता है और बाहर जाता है किसके द्वारा फेरिंग्स द्वारा ये एयर अंदर आता है और बाहर जाता है. ठीक है.
नाउ द नेक्स्ट इज एनाबास. एनाबास क्या होते हैं जिनके इनके बारे में. दिस इंडियन क्लाइंबिंग पर्च हैज टू स्पेशियस सब फ्रेंजियल कैविटीज एज डोर्सल आउटग्रोथ ऑफ द टू गिल चैम्बर्स. जो इंडियन क्लाइंबिंग पर्च होते हैं इनके पास दो स्पेशियस और सब फ्रेंजियल कैविटीज होता है जो कि डोर्सल आउटग्रोथ होता है टू गिल दो गिल चैम्बर का. ठीक है. इच कैविटी कंटेंस स्पेशल लैम्बरेंथिक ऑर्गन फॉर्म्ड बाय द मच फोल्डेड. इच हर कैविटी में कंटेंस होता है स्पेशल लैम्बरेंथिक ऑर्गन होता है जो कि फॉर्म किसके द्वारा होते हैं मच फोल्डेड बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है. और कंसेंट्रिक बॉनी प्लेट्स जो कि डेवलप होते हैं कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम द फर्स्ट एपिब्रांचियल बोन. जब फर्स्ट एपिब्रांचियल बोन से लेकर के और कवर कहाँ तक रहते हैं कवर विद थिन वास्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन और ये थिन वास्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा ये कवर किया हुआ रहता है. ठीक है. Now the next is that is air is drawn through mouth into subpharyngeal cavity and expelled out through operculum opening. जो air होता है drawn into यानी कि मुँह अंदर mouth के अंदर कैसे आता है subpharyngeal cavities द्वारा अंदर आता है और expelled किया जाता है operculum opening द्वारा इनको expelled बाहर निकाला जाता है हवा को. ठीक है. Now the next is कैलेरिस. ठीक है. इनके बारे में जानते हैं. द इंडियन कैच फिश कैलेरिस ब्रैटाचियस हैज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जो इंडियन कैटफिश होते हैं कैलेरिस ब्रैटाचियस इनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है. दिस आर इन द फॉर्म ऑफ टू मच ब्रांचियल ट्री लाइक डेंड्रेट्रिक और एब्सोरेंट ऑर्गन्स डेवलप्ड इनसाइड सुपर ब्रांचियल कैविटीज ऑन वन ऑन इच आइदर साइड एंड अबव गिल चैम्बर्स. जो क्या रहते हैं जो रहते हैं ये किस फॉर्म में रहते हैं दो म्यूकल ब्रांचियड ट्री लाइक रहते हैं और डेंड्रिट और एब्सोरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि डेवलप्ड रहता है सब फरेंजियल कैविटीज में जो कि हर एक इच साइड यानी कि आइदर साइड यानी कि दो साइड होता है उनमें ये साइड इस साइड होंगे या फिर इस साइड होंगे वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. गिल चैम्बर्स में द फिश पीरियोडिकली रिचेस वाटर सरफेस टू रिन्यू एयर. जो फिश क्या होते हैं लगातार वो अपने वाटर सरफेस पे जाती रहती है बार बार वो वाटर के सरफेस पे आती है क्योंकि अपना वाटर को जो एयर को वो रिन्यू करते रहे. ठीक है. रिन्यू एयर. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. दैट इज नाउ इट इज़ द लास्ट टॉपिक दैट इज द एयर ब्लैडर. किस तरह से एयर ब्लैडर इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन द्वारा काम करता है इनके बारे में जानते हैं हम लोग. हाँ. एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर ऑफ हायर बॉनी फिशेज दैट इज टेलीटोस्ट और इसेंशली ए हाइड्रो सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट अ सेकेंड. हाँ या स्विम ब्लैडर होते हैं जो कि स्विम ब्लैडर होता है हायर बॉनी फिशेज का जो कि टेलीस्टोस होते हैं. इसेंशियली क्या होते हैं हाइड्रोड्रास्टिक ऑर्गन के रूप में काम करते हैं बट इन लोअर बॉनी फिशेज जो छोटे बॉनी फिशेज होते हैं जैसे कि डायपोनस और गोनवाइट्स में द एयर ब्लैडर एक्ट एज ए लंग टू ब्रीथ एयर. ये एयर ब्लैडर किस तरह से काम करता है वो लंग के प्रति लंग के जैसा काम करने लगता है और एयर एंड इज ट्रूली एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये ट्रूली सच में एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेसन एंड स्टिल हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरियस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस. दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेसन्स.